हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि जैसा अभी डॉक्टर सत्यपाल जी यहाँ से कह रहे थे, एक सामान्य परिवार में पैदा होकर, एक सामान्य किसान परिवार में पैदा होकर जिन्होंने शून्य से शिखर को छूने का काम किया है, ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित है, किसान पुत्र भी हैं वो। आज भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के अंदर उनके उत्कृष्ट जो कानूनी ज्ञान है, उनका जो बौद्धिक कौशल है, वो उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। हम सबका सौभाग्य, हमारे विद्यार्थियों का भी, यहाँ के छात्रों का भी, कि आज उनका उद्बोधन हम सबको यहाँ पर प्राप्त होगा। आपके संरक्षण में संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के देश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, कमजोर वर्ग के उत्थानों के प्रयास के लिए आज लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आपका लंबा सार्वजनिक जीवन, व्यापक अनुभव तथा लोगों के मुद्दों की गहरी समझ निश्चित रूप से आज हमारे देश को हर प्रकार से लाभान्वित करने का काम कर रही है। यह मेरा भी सौभाग्य है कि समय समय पर आपका मुझे भी मार्गदर्शन मिलता रहता है। महान शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी श्रद्धानंद जी की इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के रूप में जो उन्होंने अद्भुत धरोहर माँ भारती को सौंपी थी, उसका हिस्सा बनना और आप सभी के बीच में आना और आप सबसे जुड़ना, ये मेरे लिए भी प्रेरक है और आनंददायक भी है। अपने देश को महान बनाने के लिए हमें वेदों की ओर लौटना होगा। वेदों की ओर लौटने से महर्षि दयानंद के उद्घोष को अपने जीवन का ध्येय बनाना होगा, उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा, तब जाकर हम पुनः वही विश्वगुरु का स्थान, उसी स्थान पर आरूढ़ हो पाएंगे जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमेशा कल्पना की। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भी लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह बड़ी विडंबना है कि वेद आज भी आम लोगों की पहुंच से दूर है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, मैं आज यहाँ आया हूँ और ऐसा ये माँ सरस्वती का प्रांगण है जहाँ इतने वेदाचार्य हैं, आचार्य हैं, हमारे धर्माचार्य हैं, हमारे पूज्य संतगण यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा ही वेदों में जो निहित ज्ञान है उसको जन जन तक पहुँचाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया जा सकता है। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा दर्शन है और इसी आधार पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार के साथ G20 में दुनिया का नेतृत्व किया है। आप सब लोगों ने देखा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से G20 का सफल आयोजन देश के अंदर हुआ, जिसमें 112 आउटकम आए, दिल्ली का रेजुलेशन पास हुआ, अपने आप में अभूतपूर्व था और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति को, भारत के सामर्थ्य को नज़दीक से देखा और पूरी दुनिया के अंदर जो आए हुए डेलीगेट्स थे वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनकर भारत से वापस अपने देशों को गए हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण का मंत्र दिया था। उसमें से एक प्रण है कि हमें हमारी विरासत पर भी गर्व होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं उनका नवनिर्माण हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है और आम लोगों में अपनी प्राचीन विरासत के प्रति एक गौरव का भाव भी आज उत्पन्न हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु उत्तराखंड की हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतरता से काम कर रही है। जितना भी समय हमको मिला है, एक पल एक क्षण रुके बिना लगातार ये प्रयास है कि हम तेजी से उत्तराखंड को आगे ले जाएं। आप सबके सहयोग से, जैसा आप सब जानते हैं, बहुत सारे कार्य और महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमने पिछले सालों में लिए हैं, जो
आज से पहले उत्तराखंड स्थापना से पहले जो निर्णय कभी नहीं लिए गए थे उन निर्णयों को भी हमने लेने का प्रयास किया है, लेने का प्रयत्न किया है, हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। मुझे जब भी आप जैसे महानुभावों के बीच आने का अवसर मिलता है तो मैं हमेशा श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने विकल्प रही संकल्प को दोहराता हूँ और आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोग इस हमारे विकल्प रही संकल्प के लिए अपनी जो सहभागिता है, अपना आशीर्वाद है, अपना मार्गदर्शन है, अपना समर्थन है, निश्चित रूप से हमको देंगे। आगामी समय में उत्तराखंड देश का सबसे समृद्धशाली और सशक्त राज्य बने, इस भावना के साथ मिलकर हम सभी को काम करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारी सरकार के इस संकल्प के पूर्ति के लिए निश्चित रूप से अपना सहयोग प्रदान करेंगे, हमारे पूज्य संतगण अपना आशीर्वाद देंगे, हमारे विद्यार्थीगण कदम से कदम मिलाकर आगे चलने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से, क्योंकि हम सब लोग महामहिम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं फिर से देवभूमि उत्तराखंड आने पर आपका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।